बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहिदा और सिफारती ताल्लुकात के तनाजर में गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको सबसे पहले उन ममालिक का बताना चाहता हूँ कि जिन ममालिक ने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया या सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। इनकी ऐसे ममालिक की पहले तादाद 21 थी, जिनमें एक मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल था, और अब उसे निकालने के बाद 20 ममालिक रह गए हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है कि जिसने इसराइल के नाजायज़ वजूद को तस्लीम नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी 19 ममालिक अब भी बाकी हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान, अलजज़ायर, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, कोमोरोस, जिबूती, इंडोनेशिया, इराक, कुवैत, लबनान, लीबिया, मलेशिया, शिमाली कोरिया, सोमालिया, सूडान, सूरिया और यमन शामिल हैं। और ये सारे ममालिक जो हैं वो मुस्लिम ममालिक नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर गैर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं। वो अपने मौक़ पर आज तक कायम हैं और वो समझते हैं कि जी के इसराइल को, जैसे बाबा कौम ने फरमाया था कि इसराइल एक खंजर की सूरत में मुस्लिम दुनिया के अंदर उसको घोपा गया है, और वाकईतन वहाँ जो है मुसलमानों के इस मुल्क को ज़बरदस्ती दूसरी जंग अजीम के बाद हथिया कर वहाँ पर इसराइलियों की आबादकारी की गई है। अब इस हवाले से एक दूसरी भी बात है कि ऐसे कौन से ममालिक हैं कि जी के जिनके माजी में किसी न किसी सूरत में इसराइल के साथ रवाबित भी रहे और सिफारती ताल्लुकात भी रहे। इनमें बहरीन है, ईरान है, बोलीविया है, चाड, क्यूबा, जमहूरी गनी, माली, मराकश, मोरितानिया, निकारागुआ, नाइजर, ओमान, कतर, तुनस, वेनेज़ुएला। और इन हालात में भी जैसे कि अभी मुआहदे की बात शुरू ही हुई थी कि जी के मुआहदे का खैर मकदम भी होना शुरू हो गया, और उनमें मिस्र ने खैर मकदम किया, बहरीन ने खैर मकदम किया, उम्मान ने खैर मकदम किया, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पहले से ही ये चाहते थे कि जी के इसराइल के साथ ताल्लुकात, रवाबित जो हैं वो होने चाहिए और इनको जो है तस्लीम किया जाना चाहिए, ताकि उनके लिए आमदोरफ्त और उन मामलात के अंदर आसानी हो और मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी सोच है। लेकिन जो असल मुतासिरीन हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं? तो फ़लस्तीनी हुकाम और हमास की जानिब से इस मुआहदे को मुस्तरद किया गया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने आपसी इख्तलाफात पसे पुश डालकर टेलीफोन पर गुफ्तगू की, और फ़लस्तीन ने मुत्तहिदा अरब इमारात से अपना सफ़ीर भी फौरी तौर पर वापस बुलाने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप के मुताबिक जब खत्ते के अहम ममालिक इसराइल के साथ मुआहदा कर लेंगे तो फ़लस्तीनियों को भी आखिरकार मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। ये सदर ट्रंप की इस बात के तनाजर में जो फ़लस्तीनी हुकाम, फ़लस्तीनी अथार्टी है और हमास है, तो ये इन दोनों ने जो वहाँ की, आप समझें कि जो अथार्टियाँ हैं, जो वहाँ की हुकूमतें हैं, जो वहाँ की ताकतें हैं, उन्होंने इस मुआहदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। और इस हवाले से जो मुत्तहिदा अरब इमारात का मौक़िफ़ है, उसका कहना है कि जी के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का उनका फ़ैसला मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के इम्कानात को बढ़ाएगा। भाई आप कौन होते हैं मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के ठेकेदार? और एक नाजायज़ रियासत को वहाँ लाकर बसाया गया, और पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने उनकी मदद की, और यहूदियों के एक मकाम पर उन्होंने हुकूमत दिलाई और वहाँ से फ़लस्तीनियों को बेदखल किया, जिनके आबाव अजदाद की वो ज़मीनें थीं और जो वहाँ सदियों से रह रहे थे, और मुसलमानों को क़िबला अव्वल से महरूम किया। तो ये उसके नाम के इन सारी चीज़ों के बाद जब पूरी उम्मत मुस्लिम का एक मौक़िफ़ है, तो आपका इसमें ऐसे अलग मौक़िफ़ क्यों है? लेकिन वो कहता है कि जी के ये फ़ैसला मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में दरकार ज़रूरी हकीकत पसंदी लाता है। भाई क्या ज़रूरी हकीकत पसंदी? इसमें तो शक नहीं कि अब जो इसराइल है वो अपना वजूद रखता है, उसके तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है,
यहूदी हैं, मानते हैं, लेकिन वो जिस तरह आबाद हुए वो आबाद गैर कानूनी तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से हुए। उन्होंने वहाँ फ़लस्तीनियों पर जुल्म किए। अब तक लाखों फ़लस्तीनी इस हवाले से जाम शहादत नोश कर चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं, लाखों पनाह गज़ीन हो चुके हैं, लाखों पूरी दुनिया में अपने घर घर बार छोड़ कर जा चुके हैं। और फिर अगली बात वो कहते हैं कि जी के अमाराती वज़ीर ख़ारजा अनवर करकाश के मुताबिक शेख मोहम्मद ज़ायद के जुरतमंदाना फ़ैसले से फ़लस्तीनी ज़मीन का इसराइल में इंजमाम मौखर हुआ, जिससे इसराइल और फ़लस्तीन को दो रियासती हल के लिए मुज़ाकरात करने के लिए मज़ीद वक्त मिल जाएगा। देखें, दो रियासती हल तो ये बरतानिया के पेश किया गया वो एक ऐसा सिलसिला है कि जी के जिससे फ़लस्तीन के लोगों को आज तक तकलीफ़ का सामना है, तो आपको इसमें ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं थी। और यूरोपीय यूनियन भी इस बात को आज तक तस्लीम नहीं करता है, लेकिन आप जो हैं एक मुस्लिम रियासत और मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो ख़तरनाक मौक़िफ़ आया है और स्टैंड जिन्होंने लिया है इस हवाले से सबसे ज़्यादा, वो है वो तुर्की है। और तुर्की ने अमाराती फ़ैसले पर शदीद तनकीद की है। सदर एर्दोगान ने यह तक कह दिया है कि अनकरा और अबू ज़ेबी के माबैन सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने पर गौर किया जा रहा है। तुर्क वजारत खारजा ने कहा है कि ऐसी डील करने पर तारीख यूएई की के मुनाफिकाना रवैये को माफ़ नहीं करेगी। तुर्की के पहले से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, ताहम हालिया बरसों के दौरान दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी बढ़ी है। तुर्की की वजारत खारजा की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का ये रवैया मुनाफिकाना है। तुर्की का कहना है कि तारीख और ख़त्ते के लोग इसराइल के साथ मुआहदे पर मुत्तहिदा अरब इमारात के मुनाफिकाना तर्ज़ अमल को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुर्की के मुताबिक यूएई ने यह फ़ैसला अपने मफादात के लिए किया है। तो इससे मुस्तकबिल में ये भी हो सकता है, एक और चीज़ है इस हवाले से कि इस मुआहदे के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी अवाम और इंतज़ामिया के सख्त रद्द अमल को तुर्की ने जायज़ करार दिया है। दूसरी बात यह कि इससे ये भी लगता है कि जी कि अगर इमारात तस्लीम कर लेता है इसराइल को, तो कल हो सकता है कि जी के तुर्की अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दे। जब से तुर्की में तैयब एर्दोगान आए हैं, तो तुर्की की जो आप कहें कि जी के वहाँ की जो सूरत हाल है वो बहुत चेंज हुई है। और पिछले दिनों आपने देखा कि जी के एक अदालती फ़ैसले की रोशनी में आया सूफिया जो पहले मस्जिद थी, फिर म्यूज़ियम था, फिर उसको दोबारा मस्जिद में तब्दील किया गया है। तो ये इस हवाले से बड़ी अहम बात है कि तुर्की अपने ताल्लुकात इसराइल से मुनक़ते करने पर भी गौर कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अभी तक मौक़िफ जो है वो उस तरह वाज़े नहीं है कि जिस तरह वाज़े होना चाहिए, और पाकिस्तान को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। सऊदी अरब की भी इस हवाले से खामोशी है, और चूँकि हमें जो नज़र आता है कि सऊदी अरब ने अभी तक इस हवाले से कोई वाज़े अपनी पॉलिसी जारी नहीं की। पाकिस्तान तो आपके सामने है, और जो ईरान है उसका कहना है कि जी के मुआहदे को मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की अहमकाना हिकमत अमली करार देते हुए उन्होंने कहा कि इससे ख़त्ते में मज़ाहमत का महवर कमज़ोर नहीं होगा बल्कि उसे तकवीयत मिलेगी। ख़त्ते में ईरानी असर और रसूख से लाहिक मुमकिन ख़तरात भी खलीजी ममालिक और इसराइल की क़ुर्बत का एक अहम सबब हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनके सबब मुस्तकबिल में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने नज़र आएंगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बहरीन ने जो है वो इन ताल्लुकात को खुश आमदीद कहा है, और उसके साथ उर्दन ने मोहतात हमायत की है, जबकि मिस्र ने मुआहदे के मेहमानों को मुबारकबाद दी है, और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। अक़वामे मुत्तहिदे की सलामती कौंसल के सरबराह अगस्त के महीने के दौरान इंडोनेशिया के पास है, लेकिन इस मुल्क ने भी कोई बयान नहीं दिया। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कुवैत और दीगर कई मुस्लिम अक्सरियती ममालिक पहले 24 घंटों में खामोश दिखाई दिए हैं। तो लिहाजा उम्मत मुस्लिमा को, अरब लीग को, ओआईसी को
अपना वाज़े मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा और एक तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके ये सारे मुस्लिम ममालिक को नुकसान पहुँचाएँगे और मुस्लिम ममालिक मजबूर हो जाएंगे इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए, जिससे फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ जाएगा और वो हमेशा के लिए शिकस्त का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तानी आवाम फ़लस्तीनियों से जज्बाती ताल्लुक़ और मोहब्बत रखती है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत भी तस्लीम करे, और इसराइल को तस्लीम भी नहीं किया जाना चाहिए। तो इस हवाले से हम आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।